हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए साबित हो सकती है, उस सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी सारी मल्टीपल टाइप की अपॉर्चुनिटीज आती है गाइज गेट से, रिक्रूटमेंट, जॉब रिक्रूटमेंट, अलग अलग आप लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज होती है सब अपॉर्चुनिटीज आपको हम प्रोवाइड करते हैं गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। गाइज, आज की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो है रिसर्च इंटर्नशिप ओपन होती है और इसमें बीई बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए भी ओपनिंग होती है। और गाइज, यहां पर स्टाइपेंड भी काफी अच्छा है अगर आप यहां पर देखेंगे तो। मेरे ओपिनियन में गाइज जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च इंटर्नशिप स्कीम जो गाइज, ये यहां पर अगर आप देख पा रहे हो अगस्त 2021 से इसका स्टार्ट हुआ था, तो वो डेट यहां पर मेंशन है। उसके बाद हर साल ये रिक्रूटमेंट आपका चलता रहता है, तो इसका पूरा प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाला हूं। यहां पर रिसर्च इंटर्नशिप स्कीम जो है ये यंग इंडिविजुअल को यहां पर काफी ज्यादा कटिंग एज रिसर्च और सेंट्रल बैंकिंग में जो होती है उसके पर काफी ज्यादा सीखने को यहां पर मौका मिलता है। यहां पर रोल और डिस्क्रिप्शन जो रहेगा वो डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी रहता है, और यहां पर आप काफी सारी चीजें सीख सकते हैं, बहुत सारा आपको यहां पर रहेगा। प्लेसमेंट वुड बी इन अ 4 डिपार्टमेंट ऑफ RBI, तो आपका 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में यहां पर आपका हो सकता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च DEPR, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिक्स एंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट DSIM, स्ट्रेटेजिक रिसर्च यूनिट SRU एंड इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ID। तो इन चारों डिपार्टमेंट में से किसी में भी एक में आपकी यहां पर एज इंटर्न आप यहां पे ज्वाइन करते हैं। यहां पे एलिजिबिलिटी देखेंगे तो DSM में तो यहां पर अलग अलग क्वालिफिकेशंस मांगे। यहां पर DASIM में अगर आप देखोगे तो BE BTEC इन कंप्यूटर साइंस जिन बच्चों के हैं वो भी एलिजिबल है, तो अगर आप BE BTEC कंप्यूटर साइंस में हो तो DSIM वाली कैटेगरी में आप फिल कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे SRU वाली जो कैटेगरी है इसमें BE BTEC अगर आपके पास है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इसको यहां पर अगर आप देखोगे आप इसको फिल कर सकते हो। यहां पर मेंशन नहीं किया है BE BTEC और मतलब कोई भी ब्रांच मेंशन नहीं है ब्रैकेट में, तो यहां पर BE BTEC वाले जो बच्चे वो यहां पर फिल कर सकते हैं। यहां पर और है तो और से क्लियरली मेंशन है कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, ये है या ये है, कोई भी इनमें से, तो आप यहां पर फिल कर सकते हो। इसके अलावा गाइस, यहां पर अगर आप देखोगे जो भी स्टूडेंट्स है अगर उनको थोड़ा सा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वगैरह का है तो आप डिजायरेबल है, ये मैंडेटरी नहीं है। कोई भी यहां पर वर्क एक्सपीरियंस की नीड भी नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है गाइस ट्वाइज ए ईयर होता है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं सिलेक्शन जो है ट्वाइज ए ईयर होता है, डिपेंड करता है RBI रिक्रूटमेंट का। और इंटर्नशिप जो कमेंस होती है वो 1 जनवरी से और 1 जुलाई ऑफ द ईयर से यहां पर होती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे गाइस जो इंटर्नशिप्स है वो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन विंडो 1st 5 मंथ ऑफ प्रीसीडिंग हाफ ईयर जो है उसके अंदर ही ओपन रहती है। तो मान लो कि आप जनवरी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो जुलाई से लेकर नवंबर तक आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं उसके पहले वाले में। और अगर मान लो यहां पर आपका जो है विल बी एग्जामिन इन दिसंबर में एग्जाम होकर जनवरी से आपकी यहां पर स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा भी जनवरी से मई तक आप फिल कर सकते हैं अगर आप 1 जुलाई से जो स्टार्ट हो रही है उसकी उस वाले में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी जो है वो 1 जनवरी से जो स्टार्ट हो रही है 25 में उसका ओपनिंग यहां पर चल रही है, तो आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। यहां पर गाइज अगर मैं आपको बताऊं जो भी स्टूडेंट है आपको अपने CV, रेफरेंस, स्टेटमेंट और पर्पस ये सब आपको देने होते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस जो है वो आपको फॉलो करना है और सारे के सारे जो प्रोसेस है वो आपको यहां पर भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहां पर अवेलेबल है वेबसाइट पर, तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी लिंक जो है वो मैं आपको kuldeep_sir_PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप RBI इंटर्नशिप सर्च करके आप जो यहां पर रिसर्च इंटर्नशिप्स को ओपन करेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा। ये इंटर्नशिप जो है वो 6 मंथ के लिए यहां पर रहने वाली है, इसको अनादर 6 मंथ के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है, मतलब 6 मंथ तो आपका रहेगी और अनादर 6 मंथ एक्सटेंड कर सकते हैं अगर नीड होती है, तो यहां पर एक्सटेंशन जो है वो यहां पर आपका देखा जाता है। और जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यहां पर देखेंगे एक्सेप्शनल परफॉर्मर माइट बी कंसिडर फॉर फर्दर एक्सटेंशन, तो यहां पर 2 ईयर तक भी जो काफी अच्छा कर रहे हैं उनका 2 ईयर तक भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, तो ये भी काफी अच्छी है। लोकेशन इसकी मुंबई इंडिया में रहेगी। यहां पर RBI जो है वो आपको यहां पर जैसे ऑफिस स्पेस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, अदर सपोर्ट फैसिलिटी आपको मिलेंगे। और यहां पे जो स्टाइपेंड है गाइस 45,000 पर मंथ आपको यहां पर स्टाइपेंड मिलने वाला है, स्टाइपेंड का अमाउंट भी काफी अच्छा है। इसके अलावा जो लीव वगैरह है वो सब भी आपको यहां पर मिलती है। इसके अलावा गाइस बहुत सारी और भी चीज यहां पर अवेलेबल है, हर साल ये लोग सिलेक्ट करते हैं, तो इसी के भी यहां पर जो डिपार्टमेंट्स है डिफरेंट डिफरेंट उन डिपार्टमेंट्स के बारे में भी यहां पर डिटेल दे रखी है। और गाइस यहां पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको mail ID मिल जाएगा। यहां पर mail ID के ऊपर आपको ये जो अपना आपका रिज्यूमे, CV वगैरह जो डिटेल्स है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वगैरह ये सब भेजना है, तो आपको कन्फ्यूजन है स्टेट ऑफ पर्पस में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो इसके लिए आप लोग kuldeep_sir_PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां से आपको इसकी और भी जो आपको डाउट्स वगैरह वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स अवेलेबल है गाइज। इन माई ओपिनियन जो भी BE BTEC के स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि उनको अप्लाई करना चाहिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर तक भी ये इंटर्नशिप जा सकती है। और अगर आप यहाँ पर इंटर्नशिप करते करते कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो भी एक अच्छा आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि 45,000 के आसपास
पास स्टाइपेंड मिल रहा है, तो गाइज स्टाइपेंड का अमाउंट काफ़ी अच्छा है और बाकी फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पर मिलती है। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, और भी आपके करियर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स वगैरह आएगी वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। डेफिनेटली काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं इस तरीके की और भी अपडेट आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।